उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनपद रुद्रप्रयाग का दौरा करते हुए आर्मी कैंप रुद्रप्रयाग में राज्यपाल ने राजस्व, पुलिस, वन विकास और स्वास्थ्य विभागों की समीक्षा बैठक की। वहीं राज्यपाल ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, श्रमिकों की मेहनत से निर्मित वास्तुकला युगों और पीढ़ियों तक जीवंत रहती है। राज्यपाल ने कहा, यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक को उपयोग में लाते हुए प्रयास निरंतर जारी रखें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रुद्रप्रयाग भ्रमण के दौरान जिले के सेवानिवृत्त सैनिकों, पीता पुरस्कार के विजेताओं, वीरांगनाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, समस्या या शिकायत होने पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी या सीधे राजभवन को पत्र लिखें। उन्होंने कहा, पूर्व सैनिकों की शिकायतों के समाधान के लिए राजभवन में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के सवालों की सेवाओं की सराहना की। मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि सुबह सुबह आज केदारनाथ जी के दर्शन किए, बाबा केदार जी का आशीर्वाद लिया। आज तो सोमवार है, नवरात्रि का दिवस है, अष्टमी है और पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए उनको प्रेयर की, उनका आशीर्वाद और सुख समृद्धि के लिए अरदास की। उसके पश्चात आज रुद्रप्रयाग में आकर पूरे परिवार को मिलने का एक बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका मिला है।